सॉल्यूशन। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं बी वी प्लस बी ए इंटू 100। एक तो हमने ये फार्मूला किया था, एक हमने ये भी कर सकते हैं, इसका दोनों का मिक्स कर सकते हैं, गॉट इट, बेड बाई वॉल्यूम परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी। यहाँ पे क्या था जसलीन, वेट ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में होगा, नीचे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 हो सकता है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, दैट्स नॉट ए बिग इशू, है ना, परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू लिख दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा है कि नहीं, ये नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अगर एम एल में गिवेन हो, वॉट इज द गिवेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, गॉट इट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग नीचे, वेट ऑफ, वेट ऑफ सोल्यूशन भी किया जा सकता है इंटू 100। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फार्मूला ये था, इसके बाद पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम में हमने बात किया था कि सल्यूट का पीपीएम बाई मास हो सकता है, पीपीएम बाई वॉल्यूम हो सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नो, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस सारे टॉपिक के रिस्पेक्ट में। तो पीपीएम की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई नीचे का लिखना बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, 100 करेंगे, 10 की पावर 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू पावर 6, हाँ। और ये अगर ppm बाय वॉल्यूम करेंगे तो bb डिवाइडेड बाय bb प्लस ba, ये भी लिखा जा सकता है इनटू 10 की पावर 6। फिर एक हमने बात किया था बिलियंस में, ppb पार्ट पर बिलियन, तो पार्ट पर बिलियन में सेम टॉपिक रहेगा, बस वो आउट ऑफ 10 की पावर 9 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इज इट, ऑफ बिलियंस 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये हमें याद करके रखना। गॉट इट, ये फार्मूले सारे। चलो मैं आगे, कल हम लोगों ने अंत तक कर लिया था, इसके आगे भी एक टॉपिक हुआ है। तरनप्रीत आगे बढ़े। यस सर। चलो, इसके बाद हमें जो बेसिकली मेन कंसर्न है इस चैप्टर में मोलरिटी का था, तो मोलरिटी का जो बेसिकली फार्मूला था आपको पहले से मालूम है। मोलरिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला में लिखो तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इफ इट इज इन एमएल मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमें याद करके रखना है, गॉट इट। और इसमें वन मोर फार्मूला भी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटाइल कंसंट्रेशन कॉमा डेंसिटी एंड परसेंटाइल कंसंट्रेशन डेंसिटी एंड मोलरिटी। डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखना तो कौन बता सकता है, एनीवन कैन टेल मी दिस फार्मूला डायरेक्टली, सुखमन प्रीत कैन यू टेल द फार्मूला दिस। चलो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे हर्षित कैन यू टेल, याद है फार्मूला? सर परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटाइल कंसंट्रेशन अगर मैं गिवेन है, सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे दिया है 68% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू नाइट्रिक एसिड, व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब होगा? जसलीन, एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसमें हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट मस्ट बी द वाटर, व्हाट इट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, सॉल्वेंट का जो वेट होगा दैट इज टेकन एज यू नो वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पहले लगा दो, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 68% का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मेनी ग्राम, 68 ग्राम, that is the 68 gram, that is your HNO3, what it, it's a molar mass, nikal lo molar mass ho jayega, hydrogen ka 1 hoga, nitrogen ka kitna hota 14 plus oxygen ka kitna hoga 3 into 16 and all together if you sum you will get 63, this is the two data hamare paas aa chuke hain। परसेंटेज में एक चीज और एनालिसिस होती है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो व्हाट वी कैन टेक हियर,
वेट ऑफ सॉल्यूशन, अमनप्रीत परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बेटा? अमनप्रीत आवाज आ रही है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना चाहिए परसेंटेज वाले सॉल्यूशन में? दैट शुड बी टेकन एज ओनली यू नो हाउ मच, कितना लेना चाहिए बेटा? हंड्रेड, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। वेट ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड लेने में किसी को डाउट है? अमनप्रीत आवाज आ रही है तुमको? अमनप्रीत, अमनप्रीत आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है लेकिन। चलो ठीक है, तेरा भी नेटवर्क उधर से पुअर लग रहा है। नेक्स्ट जसलीन कैंटेल, इसमें कोई डाउट है बेटा तेरे को? परसेंटेज का मतलब क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन? हंड्रेड लिखने में कोई डाउट नहीं, परसेंटेज का मतलब ये पूरे पूरे मिक्सचर का वेट कितना होना चाहिए? हंड्रेड ग्राम, इज इट? तो हमारे पास दो डाटा तो पक्का है, जो तुम्हें मास परसेंटेज के बेन है उसको डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेना है, और पूरे वेट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी टेकन एज ऑलवेज हंड्रेड। लेट द डेंसिटी इज गिवन, इस सॉल्यूशन की जो तुम्हें डेंसिटी है ना वो मान लो डी है, लेट्स इज डेंसिटी हाउ मच, डी ग्राम पर एम एल। डेंसिटी को कितना ले ले बेटा? डी ग्राम पर एम एल, एक अननोन डाटा ले लो, कितना ले लो? डी ग्राम पर एम एल। तो डेंसिटी हमारे पास मिल चुकी है, डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई? डी ग्राम पर एम एल। तो डेंसिटी इज टेकन एज हाउ मच? डी। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वेट है। बाय यूजिंग दिस टू डेटा व्हाट वी कैन कैलकुलेट? वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एज वी नो दैट यू नो डब्ल्यू बराबर क्या होता है बेटा? वी डॉट डी, वी डॉट डी। तो मेरे को अगर वॉल्यूम निकालना है तो डी से इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना। आपने इसको 11 में पढ़ा भी होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा फार्मूला याद आएगा तो डब्ल्यू बराबर होता है वी डॉट डी। किसी को इसमें डाउट है? पाहुल प्रीत, डाउट है इसमें? वेट इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे बोलो? व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम, वेट एंड डेंसिटी? डब्ल्यू बाई डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी, इज इट? वेट कितना दिया मैंने? वेट हमारे पास सॉल्यूशन का कितना? हंड्रेड। तो व्हाट द बेसिक फंडामेंटल ये होगा कि अगर हमें मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है एमएल में, क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका जो वेट होगा, वेट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, हंड्रेड डिवाइड बाई डी, व्हाट इट? ये ग्राम पर एमएल में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हंड्रेड बाई डी एमएल में आ जाएगा आंसर। दिस कैंसिल आउट। तो नाउ मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट शुड बी टेकन इन एमएल। ऊपर क्या रहता है? थाउजेंड। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट को डायरेक्टली कर लेना बेटा परसेंटाइल कंसंट्रेशन, जो जैसा मैंने पीछे दिखाया था हम। तो अगर ये बोलता है 60%, तो 60% को डायरेक्टली क्या लेना? वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 60% को डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्यूट मान लो, तो वी हैव टू टेक दैट 68। मतलब जो फार्मूला अगर डेराइव करना है तो फार्मूले के हिसाब से, तो हम इसको क्या करेंगे? फार्मूले के हिसाब से लिख सकते कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो हर्षित ने बताया था, इंटू थाउजेंड आपके फार्मूले का, डिवाइडेड बाई मोलर मास तो रहना ही रहना है, इसको तो कोई रोकेगा नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम की जगह क्या रख देना बेटा? हंड्रेड बाई डी, हंड्रेड डिवाइडेड बाई डी। नहीं समझ में आई बात? किसी को डाउट हो तो इसमें पूछो यहाँ तक। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क। किसी को डाउट है? नवदीप, इसमें कोई डाउट आ रहा है? बस मैंने एक चीज बताई कि अगर तुम्हें जो भी सोल्यूशन दिया हो उसमें जो डाटा गिवेन हो यहाँ, अगर वो बोलता है कि 15% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो मेरा क्या मतलब होना चाहिए कि जो 15% है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? और ये इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हाउ मच, दैट इज ऑलवेज हंड्रेड, वो हमेशा हंड्रेड ही रहता है। जीरो जीरो उड़ा दो,
जीरो जीरो कैंसिल, डी ऊपर भेज देना. What the next you will get? Percentile concentration, मतलब percentile concentration की जगह percentile concentration यहाँ डायरेक्ट लिख दो. Percentile concentration ब्रैकेट में लिख देना W by W only. W by W into density into 10 divided by molar mass of solute. Molar mass of solute. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक डन कर लिया मैं, चलूँ आगे. देख लो डन लीन का हो गया. तरनप्रीत तुम्हारा हो गया, थैंक यू. अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखते देखते कौन जल्दी बनाता है. दस द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. द क्वेश्चन गोज ऑन द सेम फार्मूला. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत आसानी से आप बना सकते हो. मैं तुम्हें दे रहा हूँ. लेट बी हैव H2SO4. H2SO4 का सोल्यूशन है और हियर इस कंसंट्रेशन इज गिवन. कंसंट्रेशन इज गिवन हाउ मच? सपोज इट इज गिवन 60% ओनली W बाई W. डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन 1.5 ग्राम पर ml. तो व्हाट विल बी द मोलरिटी? What will be the molarity? यहाँ पे आपको डाटा दिया रहेगा H इज इक्वल टू 1. सल्फर विल बी गिवन टू 32. देखते हैं कौन जल्दी बनाता, फटाफट करो. तरीका मैंने बताया, पीछे वाला फार्मूला लगाना है. परसेंटाइल कंसंट्रेशन इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. परसेंटाइल कंसंट्रेशन कितना? 60%. यहाँ ले लो 60 इंटू 90 मोलर आ गया. देख रहा हूँ मैं भी, सॉल्व कर रहा हूँ. डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता? 98. सर सर 9 मोलर. 99. हाँ, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो मुझे लग रहा आराम से ये डिवाइड हो जाएगा. 9.8 इज नियरली 10. 10 से तो 15 9 आ गया ना. मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया 9 मोल पर लीटर. चलो टिल देन यू सॉल्व द अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस पे बनाइए तेजी से, देखते हैं कौन आपकी बनाएगा. दिस इज द लैबोरेटरी यू नो नाइट्रिक एसिड इन द लैब. HNO3 जो रहती है दैट इज यू नो हाउ मच? That is always 68% W by W. And its density suppose करो दिया जाए 1.41 gram per ml. Then what will be the possible molarity? एज वेल एज ये भी पूछा जा सकता है ppm में कितना कंसंट्रेशन है. ppm के लिए मैंने तरीका सिखाया था, परसेंटाइल कंसंट्रेशन अगर पहले से मालूम है इनटू 10 की पावर कितना होता है? 4. 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना तुरंत आ जाएगा आंसर. और परसेंटाइल कंसंट्रेशन निकालना है तो 10,000 से डिवाइड कर देना ppm को. सर मोलारिटी 25.4. मोलारिटी आ गई इसका तो 63 होता है ना मोलर मास. कितना आया? 68 इंटू डेंसिटी 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज हाउ मच? 63. कितना आ रहा है? 15 के रेंज में आ रहा है क्या? 15.19 something. और निकालो कर लो. तरनप्रीत तुम्हारा कितना है? नवदीप
तरनप्रीत आया? तरनप्रीत आ गया बेटा? यस। कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो मैं। यस सर। चलो दूसरा ये था कि हमें ये भी मालूम है अगर दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करते हैं ना, मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, अगर आप उसको मिक्स करते हो तो मुझे लग रहा है आपको पहले भी याद था इसकी मोलरिटी, मान लो हमारे पास कितना था एम वन, इसकी इसका वॉल्यूम कितना होता था बी वन, इस नया जो हमारे पास सॉल्यूशन था इसकी मोलरिटी मान लो एम टू है, वॉल्यूम अगर बी टू है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बन जाएगा, उसकी मोलरिटी कितनी हो जाती थी बेटा? एम थ्री एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। हाँ तो ये मुझे लग रहा याद होगा तुम्हें, तो एम थ्री निकालने का जो तरीका था एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इजिकल टू एम थ्री वी थ्री। तो ये सारा टॉपिक आप इलेवन का एक बार रिकॉप कर लेना, मुझे लग रहा आसानी से बन सकता है, वी थ्री इजिकल टू वी थ्री इजिकल टू वी वन प्लस वी टू, वी थ्री इजिकल टू वी वन प्लस वी टू। नेक्स्ट लिखो एंड द टॉपिक इज योर मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला इट इज डिनोटेड बाय कर्सिव एम और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अपने को क्या करना है, सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड करना है। फंडामेंटल फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इसकी डिफिनेशन भी लिख देना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, गॉट इट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट शुड बी इन केजी। व्हाट विल बी द इट्स पॉसिबल यूनिट, पॉसिबल यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। यहाँ तक डन कर लिया, चलें नेक्स्ट पेज। यस सर। चलो यहाँ पे देखो वेट है, तो वेट कहीं ना कहीं हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तो दिस इज द यू नो क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो जहाँ पे भी टेम्परेचर बदल रहा होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे हम मोलरिटी ही लेते हैं, यू कैन नॉट टेक मोलरिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, अलग से इसको नोट कर लेना, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब मेरे को मान लो मोलैलिटी का थोड़ा और एक्सपेंड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखोगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पीछे वाला सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज इन के जी देन सो फार सो गुड, डायरेक्टली निकाल लेना। सपोज करो के जी में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर इफ इट इज गिवन इन ग्राम, ऊपर क्या करना मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड। यहां तक डन हो गया, इसको पैक कर देना, दिस इज द मेन फार्मूला। इस चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ना मोलैलिटी पे है, तो दिस फार्मूला इज गोइंग टू बी नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज गोइंग टू मैक्सिमम इन यूज, सबसे ज्यादा यूज इसी का आएगा। तो यहाँ पे व्हाट द डेफिनेशन, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्विंग पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इट। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम यूनिटी ले लेंगे तो मोलैलिटी और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सेम हो जाएगा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक डन हो गया, मैं आगे बढ़ाऊँ? यस सर। चलो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना के दिखाओ, तुम्हारे पास है 4.9 ग्राम
4.9 ग्राम H2SO4 H2SO4 इन 40 ग्राम वाटर आपको बताना है व्हाट विल बी द मोलैलिटी H2SO4 का 1.25 मोल पर केजी इसकी मोलर मास इसके 98 हो जाते हैं डायरेक्ट निकाल देना याद करके रखना है कुछ का H2SO4 का याद करके रखे रहो ग्लूकोज का याद करके रखे रहो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है H12 वो सब हाँ वेरी गुड दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट 180 एस्टिक एसिड का कितना होता है 60 यूरिया का कितना होता है 60 है ना एथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब किसी को डाउट है एथेन 1,2-DIR एथेन की चेन होगी ये बहुत पूछा भी जाता है एथेन 1,2-DIR है ना 1,2-DIR हो गया एथाइलिन ग्लाइकॉल और एथेन 1,2-DIR इसका मोलर मास कितना होगा वो कैन डन फास्टर 12 2 24 प्लस 4 ये 6 हो गया ना तो 30 प्लस ये कितना आया 62 वेरी गुड सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 106 सोडियम बाइकार्बोनेट का 107 नो 107 नहीं होगा इसमें 22 माइनस करना पड़ेगा तुम 84 है ना 84 ऐसे 98 किसका होता है H2SO4 का 98 होता है एकदम याद करके रखने वाला डाटा है 98 सो दैट यू विल सेव योर टाइम लिटिल बिट यू नो H3PO4 का भी सेम होता है 98 दोनों का सेम है ऐसे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद है किसी को COH सिंगल बॉन्ड COH लैबोरेटरी में जो ऑक्सैलिक एसिड का न्यूमेरिकल कभी भी आ रहा है वैसे भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसके साथ हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमेशा इन्वॉल्व होता है बात ध्यान में ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2 मोल ऑफ वाटर ऑलवेज इन्वॉल्व होता है इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा एनीवन फास्टेस्ट 90 प्लस 36 126 वेरी गुड 126 तो ऐसे कमीने 4 का कितना होता है आगे काम आएगा तुम लोग कमीने 4 158 चलो कुछ कॉमन ऐसे याद करके रखना है एस्टिक एसिड का है बेंजोइक एसिड का जल्दी निकालो फट से बेंजोइक एसिड मैंने बोला है बेंजोइक एसिड का मतलब C6H5 बेंजीन की रिंग हो गई देन COOH COH का कितना होता है 59 59 नहीं होगा जल्दी निकालो 45 होगा सर हाँ 45 वो एक CH3 भी हट गया ना पूरा सम करो टोटल कितना आएगा 122 के रेंज में आएगा 122 सर हाँ 122 तो ये सारे तो हमारे कहाँ सुक्रोज का वो तो रोज खाते हम लोग 342 है ना सुक्रोज 342 चलो नेक्स्ट सर 42 या 22 342 ओके सर इसका फार्मूला होता ना C12H22O11 नेक्स्ट हमारे पास मोलरिटी होमोलरिटी की बात थी
अब मैं आपको दूसरा कंटेनर दे रहा, ये मान लो हमारे पास कंटेनर है, और सपोज करो मैं बोलू कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व है, नाइट्रोजन गैस इज देयर, ओके, तो नाइट्रोजन गैस इज सॉल्यूट, नाइट्रोजन गैस के मान लो कि 15 मिलीग्राम है, 15 की जगह 14 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, 14 मिलीग्राम नाइट्रोजन गैस इज डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर इज हाउ मच 500 ml, देन व्हाट इज द, व्हाट विल बी द मोलालिटी, व्हाट विल बी द मोलालिटी सर, 10^-3 मोलल, मोलल सर मोल पर केजी हुई, इसमें हमें समय ध्यान देना, ये तो मोल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ जाएगा, 14/32, 28, हाउ मच, 0.5 और 1/2, ठीक है, अभी सर मिलीग्राम में दिया हुआ है, हाँ हाँ चेंज करो, 10^-3 भी आ गया ना, 10^-3, उसके बाद इसको 500 ml को क्या लिखेंगे, 500 ग्राम, वाटर है ना ये, दिस इज ऑल यू नो वाटर, वाटर का वेट और वॉल्यूम सेम लेते हैं, वाटर के केस में इसकी डेंसिटी वन होती है, हाँ डेंसिटी इसकी 1 g/ml होती है, ये अंडरस्टूड ही रहता है, इसको याद करके रखना है हमेशा, तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, मोलालिटी 0.5 × 10^-4, तो मोल आ गए, डिवाइडेड बाई इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट 500, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1000, कितना आ गया सर, 0 आ गया, नहीं 10^-3 आएगा, हाँ 0 क्यों बोल रही थी, नहीं सर मैं कहने लगी थी 0.5 है, लेकिन आपने वो पावर में एडजस्ट कर दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोल पर केजी, चलो नेक्स्ट, इसमें अब जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है दैट इज द बेसिकली मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स से डिनोट करो, सिंबल तो इसका जो भी है उसका टेंशन में अंदर लेना, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन, हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा इट आर डिनोटेड बाय एक्स ए, इसको डिनोट करेंगे एक्स बेस में बी, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है क्या करना रहेगा, मोल फ्रैक्शन मान लो मेरे ए का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट यू नो ऑलरेडी यू नो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, सिमिलर टू दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया, ये म्यूट करना पड़ेगा ना, किसकी आवाज आ रही थी, यहां तक मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लो फट से, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कौन बताएगा, हर्षदीप
मोल का फ्रैक्शन है यानी मोल्स का रेशियो है ना, क्या डिफाइन करो, हाउ टू डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, बोलो बेटा। पता नहीं सर, पता नहीं, 11th में चैप्टर पढ़ा था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना, पढ़ा तो था सर। हां जी, लिख लो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट का मतलब बेटा जिसकी तुम निकालने जा रहे हो, ठीक है ना, डिफाइंड एज क्या करना है तुम्हें, रेशियो निकालना है, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसकी तुम कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वस्तुतः क्लियर हो गया, क्या करना रहेगा, जिस कंपोनेंट का तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स, मोल्स को न्यूमरेटर में रख दो एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जसलीन क्लियर, नवदीप? यस सर। चलो तो यहाँ पे हमने बातें कर ली दोनों, हमारे पास एक्स ए का फार्मूला भी हो गया, एक्स बी का भी फार्मूला है, हमने क्या लिखा था बेटा पीछे, एक्स ए एक्स बी कितना था, और सी बताओ एन बी डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करते थे, एन बी प्लस एन ए, नहीं समझ में आई बात, बोलो हर्षदीप। ये लो फार्मूला लिखा, एक्स ए का फार्मूला क्या था, देखो पीछे एन बी प्लस एन ए, अब आप क्या करो दोनों साइड ना एलएचएस को एलएचएस में जोड़ दो, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ दो, क्या आएगा बता देना थोड़ा, नितिका बताओ क्या आएगा बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वन, वेरी गुड, मतलब फाइनली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको भी एकदम याद करके रखना है, और हमें मोल फ्रैक्शन अगर सल्यूट का निकालना है तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स ए, सॉल्वेंट का जहाँ निकालना होगा वहाँ वन माइनस एक्स भी कर देना, एनी वन ऑफ द डाटा इज सफिशियंट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट। अभी भी नहीं समझ में, हर्षदीप अभी भी नहीं समझ में आई ना बात, ये नहीं समझ में आया पक्का, तो मुझे बताओ एकदम लेमैन की भाषा में बता दो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, एकदम कॉमन लैंग्वेज में, कैन यू टेल मी द लैंग्वेज, एनीथिंग एनीथिंग कॉमन वे, मान लो क्लासरूम में तुम्हें मैं बताऊं, क्लासरूम में मान लो 10 बॉयज है, मान लो लड़कियों की संख्या 20 है, इसमें मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करोगे, गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हर्षदीप बताओ बेटा, गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है इसमें पूरे क्लास में, अरे टू बाय थ्री, हाँ यही तो बात पूछा जा रहा है, बॉयज का फ्रैक्शन निकालना है तो बॉयज की संख्या न्यूमरेटर में रख दिया डिवाइडेड बाय टोटल, बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या नीचे रख दिया, वेरी सिंपल, इसमें तो कोई मैथ है नहीं, है ना, और गर्ल्स की निकालनी है ऐसे तो आपका गर्ल्स के लिए आ जाएगा, that is going to be no 22 by 3 ho jayega, how much that is going to be 20 by 30 hai na, 20 by 30 ko hum log 2 by 3 likh sakte hain, dono ka sum karoge to kya 1 se zyada aayega, is it possible, matlab sum of mole fraction must be equal to 1, ye baat hamesha dhyan dena, sum of mole fraction is always equal to 1, mole fraction That is always equal to one ही आना चाहिए। Now, can anyone tell the relationship? What is the relationship between molarity, molality, and mole fraction?
मोलरिटी खाली, मोलरिटी इसमें खाली बताओ एंड डेंसिटी इतने में खाली, मोलरिटी मोलरिटी एंड डेंसिटी सर 1000 इनटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या निकालना है? मोलरिटी का फॉर्मूला बताया, मोलरिटी का, मोलरिटी का ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू पूरा बोलो, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हां ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी, 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कहीं पे नोट कर लो रिलेशन से सर, ऊपर आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तुम ही तो बोल रहा था ऊपर नहीं आएगा, नहीं सर मैंने नहीं बोला था बोल तो फिर मैं आता तुम्हारे फार्मूले पे लग गया, मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा था इसके बाद, अब इसका डेरिवेशन तो फंस जाएगा है ना, चलो इसको हटाते हैं, ये नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं अभी, पता लग जाएगा इसका भी, फिर से लिखते हैं, डेरिवेशन कर लो, दो मिनट में हो जाता है, हमें ये ध्यान देना रहता है कि मोलरिटी की बात हम कर रहे थे, मोलरिटी क्या होता है बेटा, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैंने कहाँ ले लिया, ग्राम में ले लिया, ऊपर कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 1000, व्हाट इट, फिर हमें सोचना है कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट लिखा जा सकता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट ये लिखा जाएगा कब, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच नितिका बताओ, हाँ 1 लीटर इन 1000 ml, नितिका इसमें कोई डाउट है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1000 ml ले ले तो मोलरिटी और मोल ऑफ सॉल्यूट को हम सेम टू सेम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 लीटर आ गया, डाउट है, अरे भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो अगर लीटर में अगर यहाँ 1 रख दें तो क्या 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा, अस्तित्व नहीं पड़ेगा ना, ये दोनों इक्वल लिखा जा सकता है, तो बस हमें क्या करना है कि हम मोलरिटी का जो फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, मोलरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा अब हमें जब निकालना होगा क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर्षित जैन, हर्षदीप, नितिका बताओ बेटा इसमें कोई डाउट है, चलो अब हम बोलेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें मालूम है यहाँ पे कितना बेटा, ये 1000 ml, इसको यहाँ ले लो 1000 वॉल्यूम हो गया, तो वेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी डॉट डी लिखा जा सकता है, वॉल्यूम हमने कितना माना 1000 इंटू डेंसिटी ले लो, इसको पैक कर दो, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट हर्षित जैन बताएगा, बताओ बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल से मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाय m नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास, वेरी गुड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मैंने पीछे एक चीज सिखाया था अभी याद करो, ये वाला पार्ट यहाँ देखो, ये क्या दिखा रहा है कि मोलरिटी को तुम मोल ऑफ सॉल्यूट से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि हमने जो केस माना है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट विल बी रिप्लेस बाय व्हिच डेटा, मोलरिटी, बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी देखना, ये दो बार रिवाइज करना है तब बनेगा ये मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
ऐसा लिख सकते कि नहीं? इसमें बताऊं कैसे हुआ, यहां मैंने इसे बताया है कि मोलरिटी और मोल ऑफ सॉल्यूट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे में मोलर जहां जहां मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा वहां पे तुम क्या लिख सकते हो, वहां पे मोलरिटी से डायरेक्टली रिप्लेस कर देना। ये मोल ऑफ सॉल्यूट है तो यहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी लिख सकते हैं। दिस विल बी द वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ पुट ऑल दिस डेटा, जहां वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसको किससे रिप्लेस कर देना, ये वाले डाटा से, बहुत से तुमने बता ही दिया था है ना। और मैं उसके आगे इसको अब हम लोग पूरा लिख लेते हैं, कितना आएगा फार्मूला दोबारा बोलो, हर्षित बताओ दोबारा फार्मूला, आपकी सही से ही बोलना, आपके गलत मत बोलना, वो गलत बोल रहा था, बोलो बोलो। 1000 इनटू मोलैरिटी। हाँ जी हाँ जी, 1000 इनटू मोलैरिटी को हमने मोल एब्सोल्यूट मान लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी माइनस माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो ये केस आ गया, अभी एक सॉल्यूशन है, मैं इस पे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट, यू नो इसकी डेंसिटी ले लो, सपोज करो इस डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर एमएल एंड इट इज 1.5 मोल पर लीटर H2SO4, इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, क्या निकालना है मोलैलिटी, ट्राई टू सॉल्व इट क्विकली। बायो का क्लास का लिंक आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, मैथ का आ गया होगा, मैथ आया कि नहीं, मैथ और तुम लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा मैथ का, सर हम मैथ वाले नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं भी तुम्हें एक क्लिप दिखा दूँ, ये वाला बन जाएगा, देखो बेटा कुछ मुझे डाउट लग रहा है, H2SO4 का मोलर मास तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, ये वाले से 98, पीछे मैंने बताया था, इसको रट लो सीधे सीधे 98 है ना। Put this data, all the data in the above formula and simply, very simply, easily you can get the, you know, solve this problem. 1000 into 1.45 के आसपास आ रहा है। Super, super, very good. Calculator से मत करना, है ना? नहीं सर, खुद किया calculator से नहीं किया। आजकल बच्चों को भरोसा नहीं है यहाँ पे दूर से ना। नितिका तुम्हारा कितना आया? सर एक मिनट। 98 1.5 को 3/2 लिख लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं तुम लोगों को शेयर भी कर दे रहा हूँ आज का, बेसिकली न्यू जो गूगल इज गोइंग टू बी, यू नो गूगल मीट, देखो ये नया बन रहा है, मैं अगर किसी एक का खोल के तुम्हें दिखाऊं, मान लो किसी एक का दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना, सो दैट यू कैन गेट टू नो दैट, कि ये पूरी तरीके से फुल डिटेल वाला रहेगा, ये ऑल द सारे सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब आपको पूरी सारी डिटेलिंग रहेगी, आपको ये पार्ट दिख रहा है, क्लासमेट्स दिख रहे होंगे इसमें आपको, मैं अगर किसी का भी लॉगिन करके दिखाऊं, तो मान लीजिए किसका है, ये कुलदीप है, मनिंदर है, मान्या है, मुस्कान है, हर्षित है, किसी का खुलते है, नितिका का मान लो खुलते थे, नितिका देखो खुल गया, ये इट्स विजिबल टू ऑल, नाउ यू कैन सी दैट, यू नो आपको मैं जो पासवर्ड दूंगा तो यू कैन, यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज, यू नो क्लासरूम्स, 12th है केमिस्ट्री, 12th है फिजिकल एजुकेशन, 12th है इंग्लिश, यू हैव टू चेक योर, यू नो ऑल द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सो दैट दिस नॉट बी एनी एरर, नोटिस बोर्ड में जो भी नोटिफिकेशन होगा नोटिस बोर्ड में जाएगा, फिजिक्स
एवरी सब्जेक्ट का बेसिकली जो यहाँ पे रहेगा ना होमवर्क से लेके सारी सीट्स इसी पे जाए। तो मोस्टली आगे आपकी जो लिंक से लेके एवरी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू बी हियर स्टिल आई विल शेयर इन दैट वन पर्टिकुलर आल्सो। तो आपको कोशिश करना है जो भी आपको टू डू लिस्ट मिलेगी, टू डू लिस्ट में आपको जो होमवर्क रहेगा यहाँ पे रहेगा असाइनमेंट, और आपको विद इन टाइम इंटरवल आपको करना है, अदरवाइज यू विल बी इन द डिफॉल्ट लिस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वाली वर्कशीट जो आपको मिली थी जो मैंने भेजा हुआ था, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि अभी डिफॉल्टर उसमें जा रहा है, नॉट कम्प्लीटेड नॉट डन नॉट कम्प्लीटेड नॉट डन लाइक दिस, यू नो। देखा तुम लोगों ने अपना अपना जिसने जिसे भेजा होगा, मैं दिखा रहा हूँ। चलो ये मैं आज शाम तक अभी कंप्लीट हो करके फिर देन आई विल शेयर द पासवर्ड टू यू, ओके एंड वेरी सून यू नो सारी अब गवर्निंग जो बेसिकली सारा डेटा सारा इसी पे काम होगा। दिख रहा था सबको ना जिसमें डाउट है, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड थ्रू द गूगल क्लासरूम ओनली, और ठीक भी है। लेकिन आपके अगर होमवर्क या कोई भी असाइनमेंट लेट होते हैं ना, दैट विल बी अंडर द पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डेड रहेगा, दैट रिस्पॉन्स विल बी सेव्ड एंड एनी